फायदा उठाकर कुछ संदिग्ध व्यक्ति पर्स चोरी, मोबाइल चोरी, चेन चोरी आदि की घटनाएं कर सकते हैं। अतः सभी से निवेदन है कि बाजार में खरीदारी करते समय अपने पर्स, मोबाइल व चेन का विशेष ध्यान रखें तथा यदि आपके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति महिला दिखाई देती है तो तुरंत बाजार में लगे पुलिस बल या थाना सराफा को सूचित करें। धन्यवाद। टीआई ने बदल दिया बाजार का नाम, सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह हुआ है इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में। सराफा टीआई सुनील शर्मा ने शहर के सबसे पुराने अटाला बाजार और चोर बाजार का नाम बदलने के लिए व्यापारियों से सहमति ली, क्योंकि यहां पर महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार का सामान मिलता है और यहां भीड़ भी बहुत होती है। इस भीड़ का फायदा उठाकर कई असामाजिक तत्व बाजार में घुस जाते थे और चेन चोरी, बैग चोरी, मोबाइल चोरी और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। टीआई शर्मा ने सबसे पहले तो पूरे बाजार में कैमरे लगवाए। सीसीटीवी कैमरे के बाद अब पुलिस वहां पे सादी वर्दी में घूमती है। महिला और पुरुष पुलिस स्टाफ को स्पेशली कहा गया है कि कोई भी असामाजिक तत्व नजर आए तो उसे तुरंत गिरफ्तार करें। इसके साथ ही बाजार के व्यापारियों की एक कमेटी भी बना दी है जो कि असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखती है। बाजार में सभी जगह पोस्टर भी लगा दिए हैं जहां पर थाने का और टीआई का नंबर लिखा है। कोई भी घटना होते ही तत्काल इन नंबरों पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। इसका नतीजा ये निकला कि अब इस बाजार को एक नई तरह की पहचान मिलने लग गई है और अब इसका नाम चोर बाजार या अटाला बाजार लोग नहीं ले रहे हैं। देखिए वीडियो। लगातार व्यापार करते आ रहे हैं और यहाँ पर महिलाओं का काफी भीड़ रहती है और इसमें चोरियाँ बाजार में आती जाती है, इसलिए इसका नाम चोर बाजार और अटाला बाजार पड़ा। लेकिन पुलिस और व्यापारियों के सहयोग से अब यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हैं और इसका चोर बाजार अटाला बाजार नाम गूगल पर भी है। अब हम लोगों ने पुलिस ने व्यापारियों के सहयोग से अब इसका नाम चोर बाजार हटाकर और अटाला बाजार हटाकर सुरक्षित बाजार का रखा गया है और यहाँ पर इमामबाड़ा निहालपुरा रोड पर भी कैमरे लगा दिए गए हैं और गोपाल स्टूडियो के वहाँ पर भी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे कि इन कैमरों की गतिविधि पूरी टीआई साहब हमारे सराफा थाने के टीआई साहब के कमरे में रखा हुआ है। डीवीआर वहीं सब देखते हैं टीआई साहब और पूरा सहयोग मिलता है। थाना सराफा क्षेत्र के अंतर्गत गोपाल मंदिर के आसपास एक बहुत ही घना, सघन और भीड़भाड़ वाला बाजार स्थित है जो कि मुख्यतः महिलाओं के उत्पादों से संबंधित है और यहाँ पर महिला वर्ग की काफी भीड़ रहती है। काफी समय से इस मार्केट को अटाला बाजार या चोर बाजार के नाम से पुकारा जाता रहा और इसका मुख्य कारण था कि यहाँ पर काफी भीड़भाड़ होने से कुछ संदिग्ध महिलाएं, पुरुष आकर यहाँ छोटी मोटी चोरी आदि की वारदातें करने का प्रयास करते रहे। ये जो अपमानजनक चोर बाजार या अटाला बाजार संबोधन था, इसको हम चाहते थे कि इसको मार्केट के नाम से हटाया जाए और इसके लिए एक उनके व्यापारियों के साथ एक सार्थक पहल की गई और उस पहल में यह सुनिश्चित किया गया कि इस बाजार को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए, जिसके लिए कि जन सहयोग से हमारे द्वारा प्रत्येक दुकान पर एक कैमरा लगाने का प्रयास किया गया जो कि चल रहा है। सभी प्रमुख चौराहों और रास्ते जो इस बाजार के थे वहां पर जन सहयोग से कैमरे लगाए गए हैं, जिसका सीधा हम अपने ऑफिस में बैठकर वहां की गतिविधियों पर निगाह रखते हैं। इसके अतिरिक्त महिला बल, सादा वस्त्र में हमारे जवान और सादा वस्त्र में पुलिस बल, महिला बल और अन्य वर्दीधारी बल को हम लगातार पेट्रोलिंग उस क्षेत्र में कराते हैं। जो वहाँ के लोकल दुकानदार हैं उन्होंने भी एक समिति बनाई है जो संदिग्धों पर निगाह रखते हैं और कोई भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति मिलने पर तुरंत हमको सूचित करते हैं। इसके अतिरिक्त फ्लैक्स बैनर भी संपूर्ण मार्केट में लगाए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस तरह से उनको अपराधों और अपराधियों से बचना है, और साउंड सिस्टम, छोटे छोटे साउंड सिस्टम भी मार्केट में लगाए गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग, प्री रिकॉर्डेड मैसेज लगातार चलते हैं जिससे कि वहाँ पर लोग जागरूक रहें। इस तरह एक
सुरक्षा का माहौल बाजार में स्थापित हुआ है, जिससे कि चोरी, छोटी मोटी चोरियां, अन्य छोटे मोटे अपराध और छेड़खानी आदि के अपराधों में कमी आई है। और